हम आपसे परमिशन लेने आए हैं। कैसी परमिशन? आज हमें क्लब हाउस चाहिए। क्लब हाउस? क्यों? क्योंकि शाम को टप्पू सेना ने क्लब हाउस में एक फंक्शन अरेंज किया है, इसलिए। अरे वाह! हाँ, जा तैयार हो। अरे तैयार कैसे होंगे? पहले पता तो होना चाहिए ना कि फंक्शन क्या है। वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं। तो पूछिए ना जल्दी से, काय फंक्शन है रे? हाँ, माधवी आंटी, एक मिनट, क्या फंक्शन क्या है? तो आज शाम को टप्पू सेना की ओर से एक सरप्राइज है, इसलिए मैं आपको ज्यादा बता नहीं सकता। व्हाट इज दिस टप्पू? मैं टप्पू सेना की मेंबर हूं और तुम लोगों ने मुझे सरप्राइज नहीं बताया। तुम चारों ने मेरे बिना सरप्राइज प्लान कैसे किया? अरे क्या तुम सब मुझे टप्पू सेना के मेंबर नहीं मानते हो? आज तुम चारों ने मुझे बहुत हर्ट किया है। अरे सोनू को ही पता नहीं है सरप्राइज क्या है, मतलब सोनू टप्पू सेना की मेंबर, उसी को पता नहीं? भिड़े अंकल, सोनू, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि हमने तुझे सरप्राइज के बारे में नहीं बताया, और तू तो टप्पू सेना के लिए बहुत ही स्पेशल है सोनू। अरे तू तो टप्पू सेना की सबसे क्यूट एंड लवली मेंबर है, और तू टप्पू सेना से कभी अलग हो ही नहीं सकती। सोनू तुझे पता है हमने तुझे इस सरप्राइज के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये सरप्राइज तेरे लिए भी है। हाँ, ये फंक्शन तेरे बिना अधूरा है, समझी क्यूट एंड लवली सोनू? थैंक यू सो मच टप्पू। फ्रेंडशिप। अच्छा मीका मंडे टप्पू, ये जो फंक्शन है वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है या हम लोगों के लिए भी है? नहीं माधवी आंटी, ये फंक्शन आपके लिए है, भिड़े अंकल के लिए है, वो सोनू के साथ साथ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए है। आपको 8:30 बजे मैंने वो सुरेखा ने दिया हुआ ड्रेस है ना, वो पहनूंगी। मैं तो राह देख ही रही थी कि कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिल गया टप्पू सेना की वजह से। थैंक यू सो मच टप्पू सेना, थैंक यू सो मच। काय थैंक यू, काय वेलकम। मैंने अभी तक परमिशन नहीं दी है क्लब हाउस के लिए। अभी दे दोगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि सरप्राइज क्या है, फंक्शन क्या है, मैं परमिशन नहीं देने वाला। सॉरी भिड़े अंकल, लेकिन आपको परमिशन देनी पड़ेगी क्योंकि हमने सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर दी है। और ये रहा लेटर। किसका लेटर है? कमिश्नर ऑफ पुलिस का? नहीं है, नहीं है, गोकुलधाम सोसाइटी के कमिटी मेंबर का है। अय्यर अंकल और पोपट अंकल ने दोनों ने ये लेटर पे साइन देके हमें परमिशन दी है कि हम क्लब हाउस में ये फंक्शन कर सके। हाँ, और उन्होंने पूछा भी नहीं कि सरप्राइज क्या है। लेकिन मैं पूछूंगा। अहो माधवी, जरा समझो बात को, ये पूरी तैयारी करके आए हैं, कमिटी मेंबर्स की परमिशन लेके आए ताकि मैं ना कह सकूं। लेकिन अय्यर और पोपटलाल ने भले ही साइन कर दिया हो, मैं ना कह सकता हूँ, मेरी परमिशन नहीं है। लेकिन पोपट अंकल ने हमें बोला है अगर आप ना बोलोगे तो उन्हें फोन करना है। हाँ टप्पू, पोपट अंकल को फोन लगा। अच्छा, पोपटलाल का नाम लेके डरा रहे हो मुझे? नहीं नहीं अंकल, हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो पोपट अंकल आपको प्यार से समझाएंगे। पहले पहले अगर मैं फिर भी नहीं माना तो शायद आपकी दुनिया हिला देंगे। आप परमिशन दे दीजिए ना, टप्पू सेना का सरप्राइज हमेशा अच्छा ही होता है। परमिशन देने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे, लेकिन पहले पता तो चले सरप्राइज क्या है, फंक्शन क्या है। भिड़े अंकल, टप्पू सेना की गारंटी है आपको फंक्शन में मजा ही आएगा। मजा आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन मुझे सरप्राइज पसंद ही नहीं है ना। सोनू समझाना भिड़े अंकल को, ये फंक्शन तेरे लिए है, और बिना परमिशन के फंक्शन करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या क्या मतलब बिना परमिशन के फंक्शन नहीं कर सकते ना? बाबा ये फंक्शन मेरे लिए है, आपकी सोनू के लिए, प्लीज परमिशन दे दीजिए। एक मिनट, जरा मुझे सोचने दो। क्या करूं, बिना सरप्राइज जाने परमिशन दे दूं? नहीं,
सोनू के लिए क्या सरप्राइज है ये तो जानना ही पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनू, भीड़ अंकल ने परमिशन दे दिया। सॉरी सॉरी, मैंने कब परमिशन दी। अरे अभी तो आपने सर हिलाकर हाँ बोला। अरे वो तो मैं सोच रहा था इसलिए मैंने ऐसे मुंडी हिलाई थी, परमिशन के लिए नहीं हिलाई मैंने मुंडी। भीड़ अंकल ये गलत बात है, सोनू माधवी आंटी सच सच कहना, भीड़ अंकल ने परमिशन देने के लिए सर हिलाकर हाँ बोला कि नहीं? हाँ मुझे लगा बाबा आपने हाँ ही कहा है। माधवी आंटी आपको भी लगा था ना? हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा ऐसा किया ना तो दे दी परमिशन। मैंने बोला ना मैं सोच रहा था इसलिए मैंने ऐसे ऐसे मैं सोच रहा था मैंने ऐसे बोला ठीक है दे दी मैंने परमिशन।